तो गाइस यार इन छात्रों की कोई छात्रवृत्ति नहीं आएगी, एक ऑफिशियल आर्टिकल सामने निकल के आया DW की ओर से। और एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं, लगभग यूपी के टोटल जितने 75 डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में कहीं ना कहीं इन छात्रों के साथ ये प्रॉब्लम सामने निकल के आई है। और ऐसे में सिर्फ इन छात्रों की ही छात्रवृत्ति DW से भेजी जाएगी, बाकी किसी छात्र की छात्रवृत्ति नहीं भेजी जाएगी। क्या है वो ऑफिशियल अपडेट, सब पे हम बात करेंगे और सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सभी लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप के फील्ड में आपको सबसे सटीक और सही इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यार आप यहां पे देख सकते हैं कि बैठक में समाज कल्याण अधिकारी ने रखा प्रस्ताव, कमेटी ने प्रस्ताव को नकारा। क्या थी वो प्रस्ताव, क्या था वो जिसको कमेटी ने मना किया, कमेटी ने रोका 76 शिक्षण संस्थानों का डाटा। तो गाइस यार आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल जो है वो सामने निकल के आई है अमर उजाला की तरफ से। आप देख सकते हैं कि फर्जी छात्रों के आधार पर किए गए 22.98 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में लिप्त 76 शिक्षण संस्थानों का जो भी डाटा था वो फॉरवर्ड करने पर कमेटी ने एक दफ़ा फिर से रोक लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि DM की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव रखा गया, जबकि पूर्व में ही कमेटी ने इन शिक्षण संस्थानों का जो भी डाटा था उसको यहाँ पे देखिए रोक लग गई है। तो मामला क्या है, मामला प्रकाश में आया तो घोटाले की धनराशि 22.98 करोड़ तथा पहुँच गई। इसमें लिप्त 76 शिक्षण संस्थानों के संचालकों सहित वर्तमान समाज कल्याण अधिकारी सहित कुल टोटल लगभग कई सारे देख सकते हो नाम यहाँ पे दिए हुए, ट्रेजरी अधिकारी, ये अधिकारी, वो अधिकारी, सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख लो। मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई छात्रवृत्ति का घोटाला सामने निकल के आया और इसमें 23 करोड़ का लगभग घोटाला था, और जिसके कारण जो भी 76 इंस्टीट्यूट थे उनका टोटली डाटा जो है वो रोक लग गया। गलती किसी की भी हो, अगर वो इंस्टीट्यूट संचालक की हो या फिर DW के अधिकारी की, मगर अब खामियाजा वो छात्र भुगत रहे हैं जो कि नए एडमिशन लिया, नया नया सत्र में एडमिशन लिया उस कॉलेज में, और पता चला डाटा ही नहीं फॉरवर्ड हुआ तो खाक स्कॉलरशिप आएगी। तो वो जानकारी जो है वो थोड़ा सा हैरान करने वाली है इन तमाम छात्रों के लिए, बाकी का कोई खास परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अधिकारियों ने साफ साफ कहा है कि जिन भी छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उन छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं भेजी जाएगी, बाकी का जितने लोगों का वेरीफाई हुआ है उन तमाम छात्रों की छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि EOW कर रही है 540 शिक्षण संस्थाओं की जांच। यहाँ पे देखें 76 शिक्षण संस्थाओं पे जो डाटा था उस पे तो रोक लगा ही लगा है, 540 और भी हैं जहाँ पे काफ़ी मतलब माना जा रहा है कि 500 करोड़ का जो घोटाला है वो सामने निकल के आ सकता है आने वाले दिनों में। तो देखिए आप लोगों का पैसा जो स्कॉलरशिप का है, आप लोग सोचते हो यार गवर्नमेंट बजट इतना दिखाती है मगर आपको पैसा नहीं मिलता, आपका फॉर्म भी सही होता है, तो कारण यही है कि घोटालेबाज जो चोर हैं वो हर जगह बैठे हैं, हर कदम पे आपके पैसे का, आपके जो भी कह सकते हैं आपका पैसा, छात्रवृत्ति आपका पैसा, और ये पैसा कहीं ना कहीं ये गबन कर जाते हैं यानी कि खा जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाया गया है। इस साल डेली लर्न ने ISU स्कॉलरशिप एग्ज़ाम रखा है जिसमें पार्ट लेके आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप रजिस्टर कर लें और आप भी पाइए 50 करोड़ तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ छोटे ग्रामीण शहरों को भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का फैसला लिया। यहाँ पर आप हिंदी, इंग्लिश, सारा माध्यम से डेली लर्न पे आप पढ़ सकते हैं और क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं, लाइव क्लासेस चलेंगी, सारा कुछ होगा, क्विज, टेस्ट सीरीज। तो आप तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और आप भी इनाम जीतिए। यहाँ पे देखिए 500 करोड़ का और अनुमान माना जा रहा है इस घोटाले के बारे में, आपको बता दूं। इसके अलावा 13 शिक्षण संस्थाओं के बारे में शासन से पूछा, हाई कोर्ट में फर्जी शासनादेश पेश करने के मामले में फंसी 13 शिक्षण संस्थाओं का डाटा फॉरवर्ड किया जाए या फिर नहीं किया जाए, इसके लिए शासन की तरफ से पत्र लिख के आदेश मांगा गया और जैसे ही निर्देश मिलेगा उन तमाम इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई किया जाएगा। तो मथुरा की ये सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वक्त सामने निकल के आ रही है, बाकी का और भी इन्फॉर्मेशन उस पर हम बात करेंगे। देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सर मेरा स्टेटस रिजेक्टेड शो हो रहा है, क्या साइट ओपन होगी जिससे करेक्शन कर सकें। अब टाइम निकल चुका है और करेक्शन अगर हुआ तो फिर छात्रवृत्ति नहीं दे पाएंगे क्योंकि बजट सत्र डैमेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च को, आप लोग ये सारी चीज़ें जानते होंगे। तो रिजेक्टेड वालों के लिए बड़े अफसोस के साथ मुझे इस बात की जानकारी देनी पड़ रही है आपको कि भाई रिजेक्ट अगर हो गया सम हाउ सम व्हाट तो फिर स्कॉलरशिप इस सत्र में नहीं आएगी, बाकी का जितने लोगों का फॉर्म वेरीफाई हो चुका है ऐसे तमाम छात्रों की छात्रवृत्ति ज़रूर से आएगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
बटन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को उन तमाम दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपको स्कॉलरशिप का स्टेटस, स्कॉलरशिप का पैसा चेक करने के लिए क्रोम पे बेस्ट रोजगार सर्च करना है। सर्च कर लिए तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। कोई सा भी आपका कैटेगरी हो, फ्रेश कैटेगरी, रिन्यूअल कैटेगरी, पोस्ट मैट्रिक, ये सारा कुछ टेलीग्राम का चैनल है, इनका ज्वाइन कर सकते हो। आप PFMS से आपका स्कॉलरशिप का पैसा कहीं शो हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर क्लिक कर दो सिंपली और अपना PFMS के थ्रू पैसा चेक कर सकते हो। बाकी का यहाँ पे आपको बता दूँ, आप अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो, तो लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे सारा। देखिए लिंक के बारे में भी बता दूँ, रिन्यूअल जो सा भी आपका कैटेगरी हो सिंपली क्लिक करना है और अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस यहाँ से सारा डाटा फिलअप करके चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे आपको बता दूं कि MT दितवारिया के कहना है कि सर मेरा अकाउंट बैलेंस माइनस में है तो स्कॉलरशिप आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। भाई उसको थोड़ा लेन देन करके एक्टिव कर लो, बाकी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिषेक चौधरी का कहना है सर मेरा तो अभी भी पेंडिंग है। तो देखिए अगर पेंडिंग है तो परेशान नहीं होना है, इसीलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा देखो। पेंडिंग वालों के बारे में देखो अभी बात कर रहा हूँ वीडियो में इतने मिनट के बाद, अगर आपका फॉर्म पेंडिंग है तो अधिकारियों ने साफ साफ कहा है, इस बात की जानकारी दी, कल वाली वीडियो में भी बताया था, आज मॉर्निंग वाले में भी बताया हूँ, अभी फिर बता रहा हूँ कि भाई 20 को उन्होंने सारा डाटा जो था सारा फॉर्म या तो रिजेक्ट कर दिया तो वेरीफाई कर दिया। अब आप लोगों का अगर फॉर्म पेंडिंग है तो शाम को एक बार चेक कर लेना है और एक बार कल सुबह चेक कर लेना, अगर कल तक नहीं हुआ, कल या तो रिजेक्ट हो जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा, फाइनल समझ लो। नीतीश कुमार सिंह का कहना है कि सर मेरा रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS, परेशान नहीं होना, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। शकील खान, अब स्टेटस क्यों नहीं शो हो रहा है? देखिए स्टेटस अपडेट होना है टोटली, इसलिए नहीं शो हो रहा है कुछ छात्रों का। सर मेरा अभी पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग वाले अभी बताया ना सब कुछ। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल KP स्टेटस का कहना है कि भाई मैंने BSc लास्ट ईयर में फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप फॉर्म भरा और वेरीफाई भी हो गया, स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं? जी बिल्कुल आएगी, और अगर फॉर्म वेरीफाइड है तो स्कॉलरशिप आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और मान के चलो कि छात्रवृत्ति कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ 31 मार्च तक मिलेगा, हालांकि डेट अधिकारी कह रहे हैं 25, लेकिन 31 तक मान के चलो, समझ गए। तो जल्द ही आप लोगों की छात्रवृत्ति आप लोगों के बैंक अकाउंट में कभी भी ट्रांसफ़र की जाएगी, आप लोग अपना बैंक बैलेंस चेक करते रहो। अगर स्कॉलरशिप आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से इस बात की जानकारी दीजिएगा और स्क्रीनशॉट या फिर फोटो शेयर कीजिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक।